टू पी एन बी माइंड पावर चैनल अचैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, हमारा जो चैनल है अक्सर आपको खुशियाँ देता है, तो ऐसी ही खुशखबरी आपके लिए है अगर आप चाहते हैं शिक्षक बनना। तो बीपीएससी मेंस के लेकर के अभी जो तैयारी लोग शुरू कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, अभी तो परीक्षा रद्द हो गई है, फिर भी लगता है कि समय का ज़्यादा सदुपयोग किया जाए, पीटी की तैयारी हो चुकी है तो मेंस में लगा जाए। ऐसे में छात्रों के इंक्वायरीज आ रहे हैं, और सिर्फ पीएनबी माइंड पावर ही नहीं बल्कि हमसे कई और भी संस्थान जुड़े हुए हैं, और देखा गया है एक अनुभवी होने के नाते कि बहुत सारे संस्थान कोशिश करते हैं कि मेरे माध्यम से ही शिक्षक वो प्राप्त करें। तो मुझे कई दोस्तों का फ़ोन आया कि सर, 2-3 शिक्षक की आवश्यकता है हमें, अगर आपके माध्यम से मिले तो अच्छा रहेगा। तो हमें जो भी मेरे मित्र हैं और हमारा जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बेहतर शिक्षक की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो और 1 ईयर में सिलेक्शन हो। भटकाने, बात बनाने और उन्हें खुश करने के हिसाब से हमारे इंस्टीट्यूट नहीं चलता है। एकदम से गंभीर पढ़ाई होती है और सिलेक्शन श्योर होता है। आपने देखा होगा, अभी होगा, इतिहास साक्षी हो चुका है अब कि पीएनबी माइंड पावर सिस्टम ने हमेशा 80% पीटी इंटरव्यू और मेंस रिजल्ट दिया है। तो चलिए, खास बात आपके लिए है कि हमें चाहिए आपको, आपसे चाहिए मदद। सोशोलॉजी के टीचर हमें चाहिए जो बीपीएससी मेंस को पढ़ा सके, ठीक है। और सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं बल्कि एलएचडब्ल्यू के शिक्षक की भी हमें आवश्यकता है, ठीक है। सोशियोलॉजी और एलएचडब्ल्यू शिक्षक की विशेष आवश्यकता है क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है, और अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी टीचर आप लोग की सहायता से मिल जाए तो सोने पर सुहागा होगा, ठीक है। क्योंकि परीक्षाएं अब जो हो चुकी हैं, एक तरह से हो चुकी हैं, सबको पता चल गया, जिसका भी 125 आ रहा है, मेरे कई स्टूडेंट्स का 125 प्लस आ रहा है, उनको लग रहा है कि केवल पीटी पर इतना समय देना ठीक नहीं है, तो क्यों ना मेंस की तैयारी किया जाए, ठीक है। तो आप अगर खुद शिक्षक हैं तो आप खुद कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर अपने किसी दोस्त को जरूर इस सूचना को आगे प्रेषित करें। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ जो भी शिक्षक होंगे वो मेंस दिए हों और अच्छे अंक आए हुए हों, क्योंकि हम मार्कशीट भी देखेंगे, इतना तो कह ही सकते हैं ना, जरूरी है ना देखना, और बाकी तो पढ़ाकर भी देखा जाएगा, दोनों ही अच्छा रहेगा। चलिए, सूचना को आप आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको बीपीएससी और बीएसएससी जो थर्ड सीजन है उसकी तैयारी करनी है तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।